नरेंद्र मोदी बैडमिंटन प्रतियोगिता का एक निजी लॉन में शुभारंभ हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। जिसके संबंध में बैडमिंटन के सचिव मृत्युंजय पांडे ने बताया कि यहां पर सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो कि हर वर्ष होता था, लेकिन कोविड की वजह से 2 साल से नहीं हो पा रहा था। इस वर्ष हो रहा है, जो कि जुलाई में होता था, लेकिन इस बार जनवरी में हो रहा है, जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो कि 3 दिन तक चलेगा। 26 जनवरी को प्रतियोगिता का समापन होगा और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव मृत्युंजय पांडे ने कहा, जजमेंट थोड़ा यहाँ पे सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट, जो कि हर साल हुआ करता था लेकिन कोरोना काल में नहीं हो पाया, तो इस बार आज हम लोग कर रहे हैं। इसको हम लोग करते थे जुलाई में, तो इस बार हम लोग जनवरी में कर रहे हैं और बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है। लगभग अभी तक हमारे पास 250 बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और हमारे पास अंडर 9, अंडर 11, अंडर 12, अंडर 13, 16 और 18 ग्रुप में यहाँ प्रतियोगिताएँ हो रही हैं। अभी आज ये 24, 25, 26 को फाइनल है, 26 को शाम को इसका फाइनल है। हमारे मुख्य अतिथि हमारे गुरुबुक क्लब के सचिव श्री पीयूष बंका जी थे, साथ में हमारे अकाउंट सचिव श्री भूषण जी थे और मैं खुद यहाँ बैडमिंटन सेक्रेटरी मृत्युंजय पांडे, और हमारे यहाँ पे बहुत प्रतिष्ठित कोचिंग है मोमेंटम कोचिंग, उसके निदेशक श्री विकास अग्रवाल जी वो भी यहाँ थे, और सैयद मोदी जी के साथ खेले हुए कम से कम 5 खिलाड़ी वो भी यहाँ मौजूद थे अभी, जो कि बच्चों को अपना आशीर्वाद देके यहाँ से गए। हाँ जी, बच्चे 29% करेंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा। ये लखनऊ से आए हुए हैं डी कैथलॉन के प्रभारी, इन्होंने भी इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया हुआ है, तो 26 तारीख को बच्चों का जो भी बच्चे विजयी होंगे उनको यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा।